हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने मैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज दे रखे हैं इस डायग्राम के अंदर। एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है ए सी बी, जिसके ऊपर आपको एक यूडीएल लोड लगा हुआ है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 kN/m दे रखा है और 1.6 मीटर की लेंथ में वो आपका लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो भी अपन कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं, उस केस में अपन देखते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा। तो जहां पर मेरे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, उनके लाइन ऑफ एक्शन को ऊपर नीचे ले लेते हैं। तो मैंने वहां पर पहले बी को ले लिया, फिर सी को ले लिया और फिर ए को ले लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला, ऐसे डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ऐसे डायग्राम की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे दिख रहा होगा कि ये जो यूडीएल है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। सबसे पहले तो जो यूडीएल होता है, आपको बताया अपन इसको रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी में शो करते हैं। तो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी के केस में इसका अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो आपको दिखाई देगा कि 1.5 किलोन्यूटन मीटर का लोड लगा हुआ है 1.6 की डिस्टेंस में। तो जो उसका टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो आपको पता पड़ जाएगा, वो दिख रहा है 2.4 किलोन्यूटन आपका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। और जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा वो उसकी सेंटर लेंथ पे काम कर रहा होगा, यानी कि इधर से भी 0.8 और इधर से भी 0.8 पे काम कर रहा होगा। बाकी अपन इसके भी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेंडिंग शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी की बात करेंगे तो अपन क्या है, यहाँ से राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में अपन बढ़ रहे हैं इस तरीके से। तो इसकी लेंथ भी यहाँ से आपके राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड 0 से स्टार्ट हो रहा है 1.6 तक जा रहा है। तो यहाँ पे कितना लोड हो रहा है आप देखेंगे ध्यान से, 1.5 × 0। तो यहाँ पे कितना आया मेरा बी पॉइंट पे, 0 शेयर फोर्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो 0 निकल के आई। अगर मैं बात करता हूँ कि शेयर फोर्स एट पॉइंट सी की, तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई देगा कि यहां से लेके मैं जब यहाँ पे चल के आया थी, मेरी डिस्टेंस 1.6 हो गई थी। तो 1.5 × 1.6 की मैं बात करूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी निकल के आ रही है 2.4। तो वो मेरी हो गई 2.4 किलोन्यूटन, क्योंकि मेरी फोर्स के साथ एक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई रखते हैं, यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन आएगा। तो मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट को 2.4, तो इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से एक बना दी, यानी कि इंक्लाइंड लाइन बोल देंगे। यहां से यहां तक के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा है, तो जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पे था उतना मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो बेड शेयर फोर्स 8.8 जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो मेरी 2.4 ही रही, ड्यू टू लोड की डायरेक्शन की वजह से। मेरा जो डायग्राम बना वो नेगेटिव डायग्राम है पूरा का पूरा शेयर फोर्स। अगर हम बात करते हैं अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो बीएम डायग्राम में जब मैं बात करूंगा, बीएम डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी की मैं जब बात करूंगा तो मुझे लोड दिखाई दे रहा है कि जो लोड है वो मेरा कितना 1.5 है। अगर मैं बात करूं उसका मैग्नीट्यूड की भी बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड मेरा कहां सेंटर डिस्टेंस पे आ रहा होगा, तो 2.4 हो जाएगा पूरा जो लोड होगा, यानी 1.5 × 1.6 होगा। पर अभी जो उसकी डिस्टेंस है यहाँ पे वो मेरी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 0। कितनी है तो 0 है, तो उस केस के लिए आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अब मैं बात करूंगा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। तो बेंडिंग मूवमेंट जब मैं एट पॉइंट सी की बात करूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो लोड लगा है वो यहाँ पे मेरा पूरा 2.4 लगा हुआ है। अगर मैं उसकी डिस्टेंस देखूंगा यहाँ से, तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो रही है कि वो यहाँ से 0.8 डिस्टेंस पे लगा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2.4 का मैग्नीट्यूड था, 1.6 उसकी डिस्टेंस थी, पर लोड आपका कितनी डिस्टेंस पे लगा है, 0.8 डिस्टेंस पे लगा है। तो मैंने 0.8 ले लिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे अर्चौक 3200 समथिंग 2 आ रहा है, तो 1.92 आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 1.92 किलोमीटर डिस्टेंस ने मीटर में रखे, तो मीटर लिख देता हूं। फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की बात करूंगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की मैं जब बात करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोड तो मेरा 2.4 ही लग रहा है बस। तो मैंने 2.4 मैग्नीट्यूड लगा दिया, पर जो डिस्टेंस है अब वो डिस्टेंस चेंज हो गई कि यहां से लेके यहां तक तो आपकी 0.8 हो रही थी, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ 0.4 मेरा एड ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि 1.6 में से 2 जाएगा तो 0.4 बचेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो 1.2 मीटर निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने 1.2 मीटर लगा दिया। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 दिन 48 होते हैं और 24 से पीछे आ जाएगा, तो कुछ कुछ आपकी 2.88 के आसपास वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर मीटर। तो मैंने इसके अंदर किया,
यहाँ पे जो मेरा पॉइंट आया वो 2.88 आया, यहाँ जो मेरा पॉइंट आया 1.92 आया। तो मुझे पता है कि फोर्स के साथ दो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, क्योंकि इसके अंदर भी एक डिस्टेंस है, इसके अंदर भी एक डिस्टेंस है। तो जब भी मेरे फोर्स के साथ दो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है तो ये जो बनता है वो पैराबोला कर्व बनता है। तो अपन यहाँ बोलते हैं इसको पैराबोला, और ये भी मेरा क्या है, पैराबोला। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।